Hey guys, welcome back to my channel. So, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अनुष्का शर्मा इंस्पायर्ड गाउन, जिसे मैंने नेट की साड़ी के साथ क्रिएट किया है. आप इसे किसी भी फैब्रिक के साथ बहुत इजीली बना सकते हैं एंड इसे आप वेयर करते समय हैज अ लॉन्ग श्रग भी कैरी कर सकते हैं. सो चलिए शुरू करते हैं वीडियो. से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर लें. सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. यहाँ आप देख सकते हैं मैंने आधा मीटर का कपड़ा लिया है इनर के लिए एंड नेट का मैंने लिया है 2.5 मीटर्स ऑफ कपड़ा. सबसे पहले हम बॉडीज क्रिएट करेंगे, जिसके लिए वन कॉर्नर एज से हम हमारे फैब्रिक को हाफ में फोल्ड कर लेंगे, फिर इसे दोबारा हाफ में फोल्ड कर लेंगे. जो हमारा फोल्डेड साइड है वहाँ पर हम हमारी कोई भी कुर्ती को फोल्ड करेंगे एंड प्लेस कर लेंगे. फिर 1 इंच का गैप छोड़ते हुए हम मार्किंग कर लेंगे ऑल ओवर. नेक एरिया के लिए मैं लेंथ ले रही हूँ 3 इंचेस लेंथ एंड 3 इंचेस ब्रेथ. फिर इन दोनों को ज्वाइंट करने के लिए मैं एक कर्व शेप ड्रॉ कर लूँगी. अब जो हमारी बॉडीज की लेंथ है वो मैं रख रही हूँ 16 इंचेस. सो इस तरीके से मैं 16 इंचेस पे भी एक पॉइंट ड्रॉ कर लूँगी. अब इन सारी मार्किंग्स को हमें कट कर लेना होगा. सो यहाँ हमने कटिंग कर लिया है. सेम मेजरमेंट का हमें अस्तर भी कट करना होगा फ्रंट एंड बैक दोनों के लिए. तो यहाँ मैंने इसे भी कट कर लिया है. अब अस्तर को हमारे टॉप के ऊपर रखते हुए मैं ऑल ओवर स्टिचिंग्स दे दूंगी सो दैट हमारा जो अस्तर है वो प्लेस में रहे. इस तरीके से मैंने इसे स्टिचिंग्स दे दिया है. अब जो हमारा फ्रंट पोर्शन है उसे मैं हाफ में फोल्ड कर लूँगी एंड सेंटर पर एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी एंड देन उसे मैं कट कर लूँगी. सो कट करने के बाद जो लेंथ है हमारे बॉडीज का उतने लेंथ का हमें स्ट्रैप्स चाहिए होगा और उस स्ट्रैप्स का विड्थ होगा 2-2.5 इंचेस. तो हमें 2 स्ट्रैप्स ऐसे ही कट करना होगा. इन दोनों स्ट्रैप्स को हम हाफ में फोल्ड कर लेंगे एंड हमारे टॉप के सीधे तरफ ही प्लेस करेंगे इस तरीके से फोल्ड करते हुए. एंड जो ओपनिंग एज होगा वो हमारे टॉप के मिडिल सेक्शन में इस तरीके से हम प्लेस कर देंगे एंड देन ऊपर से स्टिचिंग दे देंगे. सो यहाँ आप देख सकते हैं हमने इसे स्टिच कर लिया है. जो भी एक्स्ट्रा है मैं इसे कट कर लूँगी. अब इसे मैं अगेन फोल्ड कर लूँगी तो अंदर की ओर इस तरीके से मैं ओपन कर लूँगी एंड ओपन करने के बाद ऊपर से स्टिचिंग दे दूँगी एंड जो सेकेंड पार्ट है उसे ओपन करने के बाद अगेन अंदर की ओर फोल्ड कर लूँगी एंड ऊपर से स्टिचिंग दे दूँगी. सो वहाँ पर हम हुक एंड हुक लूप्स ऐड करेंगे, इसीलिए हम ये मेथड कर रहे हैं. इस तरीके से फोल्ड करने के बाद ऊपर से मैंने आप देख सकते हैं स्टिचिंग दे दिया है. अब ये प्लेस में रह जाएगा. अब हम हुक और हुक लूप्स यहाँ पर ऐड कर लेंगे. इस तरीके से रखने के बाद जो बैक पोर्शन है उसे उसके ऊपर रख लेंगे एंड शोल्डर जॉइंट कर लेंगे. अब स्लीव्स की कटिंग करेंगे, जिसके लिए अगेन कॉर्नर एज से कपड़े को हाफ में फोल्ड करने के बाद दोबारा हाफ में फोल्ड कर लेंगे. फिर जो हमारी स्लीव्स है उसे फोल्डेड साइड पर प्लेस कर लेंगे, स्लीव्स का फोल्डेड साइड एंड ऑल ओवर मार्किंग कर लेंगे. आपको जितनी लॉन्ग स्लीव्स चाहिए आप उतनी रखिए एंड ऊपर की मार्किंग भी हम इस तरीके से ट्रेस कर लेंगे. तो यहाँ मेरी दोनों स्लीव्स तैयार है. अब इसे मैं हमारे टॉप पे अटैच कर लूँगी. टॉप पे अटैच करने के लिए टॉप को सीधा तरफ ऊपर की ओर रखेंगे एंड स्लीव्स को उल्टा तरफ ऊपर की ओर रख लूँगी एंड इसे अटैच कर लूँगी. स्लीव्स अटैच करने के बाद हमें एक नेट का स्ट्रैप चाहिए होगा, जिसे मैं नेक पे अटैच करूंगी. तो उसका विड्थ है 4 इंचेस. उसे हाफ में फोल्ड करने के बाद ओपन साइड मेरी गले की ओर होनी चाहिए एंड इस तरीके से ऑल ओवर मैं अटैच कर लूंगी. सो यहाँ आप देख सकते हैं हमने इसे अटैच कर लिया है. अब हम फ्लिप कर लेंगे एंड साइड की भी स्टिचिंग दे देंगे. सो यहाँ हमारा टॉप तैयार है. अब मैं हुक भी अटैच कर लूंगी. अब जो बचा हुआ कपड़ा है उससे हम नीचे का घेरा तैयार करेंगे. तो सबसे पहले लंबाई हम देखेंगे हमें कितनी चाहिए एंड विड्थ के तरफ से हमें चुन क्रिएट करनी होगी. तो मैं ऐसे ही मशीन से सिंपली इसे क्रिएट कर लूँगी कपड़े गैदर करते हुए. सो प्लीट्स क्रिएट करने के बाद जो प्लीट्स का मेजरमेंट होगा वो आपकी कमर के साइज का होगा. सो अब जो हमारे बॉडीज का फ्रंट ओपनिंग है वहाँ से हम इसे अटैच कर लेंगे. सो यहाँ मैंने इसे अटैच कर लिया है. अब इसे और ज़्यादा डेकोरेट करने के लिए मैं ऊपर की तरफ इस तरीके से पैचेस अटैच कर लूँगी. मैं यहाँ पर फ्लावर पैटर्न में पैचेस अटैच कर लूँगी.
सो ऑल ओवर फ्लावर अटैच करने के बाद हमारा ये टॉप तैयार है। मैंने बॉटम पे अस्तर नहीं रखा था, बट अगर आपको बॉटम पे भी अस्तर रखना है तो आप रख सकते हैं। सो गाइज, ये रहा मेरा आज का सिंपल सा DIY। इसे आप एज अ लॉन्ग श्रग भी कैरी कर सकते हैं बीच के बटन्स ओपन करते हुए, एंड ये काफ़ी एथेनिक लुक लेगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय टिल द नेक्स्ट।